जय हिंद साथियों। तो फिर एक नए वीडियो में लेकर आए जो कि हिंदी का यानी क्लास नाइन का वायरल क्वेश्चन, यानी आप लोगों को जो भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन आएगा। हो बहु 100% आपको यही क्वेश्चन आएगा, ये लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, नोट कर लीजिए सभी विद्यार्थी जितने भी नाइन का यानी सेकेंड टर्मिनल की यानी शाब्दिक परीक्षा यानी सेकेंड का देने वाले हैं वो लोग जल्दी से रेडी हो जाएँ, सभी कॉपी पेन लेकर उसमें आप लोग कॉपी कर लीजिए, जाकर फिर एग्जाम में छाप दीजिएगा, ठीक है। यानी 22-23 का यानी जो भी एग्जाम है सेकंड टर्मिनल का पढ़ रहा है यही क्वेश्चन आप लोग को समझ सकते हैं, क्वेश्चन समझ सकते हैं कि हमने चुरा कर लेकर आ गया, ठीक है। यानी आप लोग के लिए क्वेश्चन देने के लिए जितने भी नाइन क्लास के बच्चे हैं सभी लोग इसको नोट कर लेंगे, यही क्वेश्चन हो भाई। अगर नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएगा जितने भी सारे विद्यार्थी, अगर नहीं हो सक आपको यह देखिए सेट ए हो सकता है, आपको सेट बी भी मिल सकता है, ठीक है। सेट बी में होगा क्या कि आप लोग का क्वेश्चन हम एक में बता रहे हैं तो आप लोग को हो सकता है कि 5 क्वेश्चन मिले, ठीक है। ये लेकिन क्वेश्चन आपको सेम ही रहेगा, हो बहुत 1001% ये वादा है कि आप लोग का क्वेश्चन हो बहु रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग जाइए क्वेश्चन को छाप के दम तहलका मचा दे, जितने भी सारे नए विद्यार्थी हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है। टारगेट रखते हैं लाइक के, यानी कम से कम तो 300 लाइक जरूर आप लोग करेंगे, ठीक है। यानी कि 300 लाइक जरूर करेंगे। देखिएगा यहाँ जो है वस्तुनिष्ठ यानी आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को बताने वाले, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले सही विद्यार्थी को, तो आप लोग रेडी हो जाएगा। यानी 60 में से आप लोग को कितना 50 बनाना है, तो चलिए 50 बनाने के लिए आप लोग को एक एक क्वेश्चन, आप लोग को एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते बिना देर के, ठीक है यार। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक, देखिएगा क्वेश्चन है ना वायरल क्वेश्चन, आप लोग को एकदम टाइप करना, यानी आप लोग को एकदम क्वेश्चन को छाप देना, ठीक है। आप लोग के लिए एकदम इतना मुश्किल से क्वेश्चन लाया जो कि आप लोग एक समझ सकते हैं वायरल क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन, यानी आप लोग को आउट क्वेश्चन कर दिया। देखिए वीडियो भी वायरल होने के लिए स्टार्ट हो गया, तो ठीक है। तो आप लोग भी वायरल कर दीजिए, मिलकर आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, जितने भी नाइन का विद्यार्थी हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम देने वाले हैं। चलेगा लालापन का बेगम किस कोटि की कहानी है, बताइएगा। लालपान जो है बेगम किस कोटि का है, यानी बताइएगा। यानी अंचालिक का, यानी अंचालिक यानी क्या मार कराइएगा, यानी ऑप्शन ए कर कराइएगा, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग एकदम तहलका मचा देंगे, एकदम गर्दा कर देंगे, ठीक है। जितने भी सारे विद्यार्थी यानी 22 सितंबर को एग्जाम देने वाला एकदम गर्दा करके आइएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नरसिंह आनंद का आयास क्या हो जाएंगे, यानी बताइएगा। यानी क्या हो जाएंगे, यानी अद्भुत आनंद हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी को दम ऐसे ऐसे आप लोग दम क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप जाकर एग्जाम में दम छाप दीजिएगा, ठीक है। यानी आप लोग को देती है जो कि आप लोग को शाब्दिक परीक्षा एग्जाम होने वाला उसी में। फरिश्वनाथ का रेणु का जन्म है किस जिला में हुआ था, बताइएगा किस जिला में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा अररिया, मतलब कि अररिया जिला, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज का जो ख्याति है वो किस रूप में, तो आप लोग याद रखिएगा वो नर्तक है। बिरजू महाराज क्या है, आप लोग को 10 में पढ़ने का, यानी नर्तक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बिरजू महाराज का संबंध है वो किस घराने से है, बताएगा। बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किस घराने से, तो आप लोग याद रखिए यानी लखनऊ के हैं, ठीक है। यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग आप लोग नोट करते जाइए, एकदम छाप दीजिएगा क्वेश्चन, एकदम भौकाल मचा कर रख दीजिएगा। मुसी जी के पास उनके भाई का आखिरी निशानी क्या बची थी, बताइएगा क्या निशानी बची थी, तो आप लोग याद रखिएगा यानी घाड़ी बची थी, ठीक है, यानी घोड़ी बची थी, ठीक है, घोड़ी। यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहानी का प्लावट गद में कौन सी विद्या, बताएगा। कहानी का प्लावट गद की जो हो जाएगा वो कौन सी विद्या है, यानी क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। टॉल्स्टॉय के घर के चारों तरफ क्या है, बताएगा। टॉल्स्टॉय के घर के चारों तरफ जो है वो क्या है, बाग बगीचा, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एकदम कर कराना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन आपको इधर उधर हो सकता है लेकिन आपको ऑप्शन है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। यानी आप लोग को क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को ऑप्शन भी लिख लेना ताकि वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, आसानी से आप लोग छाप सके, ठीक है। बाबू राव का पेंटर कौन था, बताएगा। बाबू राव का जो पेंटर थे वो कौन था, याद रखिएगा, यानी क्या हो जाएगा फिल्मी हस्ती, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। अष्टावक्र गद में कौन सी विद्या, बताएगा। अष्टावक्र में जो गद का विद्या हो जाएंगे वो कहानी हो जाएंगे, ये कहानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या स्टूडेंट। पटना नाटक जो मंडली है की स्थापना जो हुई थी वो कौन से सीमें हुई थी, आप लोग को याद रखना कौन से सीमें, यानी 1876 यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा।
जगदम्बा देवी का राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो पुरस्कार जो मिला वो कब मिला, कौन से समय मिला था, तो आप लोग याद रखिएगा 1970 में मिला था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, मनोज वाजपेयी का जो संबंध है वो किस राज्य से, बताएगा मनोज वाजपेयी का जो संबंध है वो किस राज्य से रिलेशन, तो आपको याद रखना यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, बिहार के पहली सबक हिंदी फिल्म जो कौन थी, बताएगा कौन फिल्म थी, तो आप लोग याद रखना पूर्ण नाम, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, उपेंद्र महारथी किस क्षेत्र का विशेष मतलब कि विशेषज्ञ हासिल करने जापान गया था, बताइएगा यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे वो चित्रकला हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा छाप कराना, एकदम छाप कराना। जितने सारे नए विद्यार्थी वो चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, विवाह के गीतों में किस भाव का प्रधान होती है, बताइएगा विवाह का जो गीत होता है उसमें जो प्रधान होता है वह क्या होता है, तो उल्लास और उमंग, ठीक है क्या होता है उल्लास और उमंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल दम गर्दा गर्दा करके आना विद्यार्थी सभी को। मुंशी जी का लड़के जो कब पैदा हुई, बताइएगा कहाँ पैदा हुए थे मुंशी जी का लड़के जो पैदा हुई थी वो कब पैदा हुए थे, बताइएगा यानी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना ये क्या हो जाएंगे, यानी जो भी विद्यार्थी गरीबों में दे रहे बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, ठीक है चलेगा। काला गीत का आरंभ क्या है, बताइएगा काला गीत का जो आरंभ हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी ग्राम गीत हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सभी लोग एकदम तहलका मचा देंगे, क्वेश्चन को सभी लोग छाप लेंगे। नालंदा है वो किस प्रदेश का अवस्थित है, बताइएगा यानी नालंदा है वो बिहार का, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अष्टावक्र कहानी का लेखक कौन है, बताइएगा अष्टावक्र का जो कहानी का लेखक है ना वो विष्णु प्रभाकर, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। आप लोग एकदम सभी लोग एकदम भौकाल मचा दीजिएगा विद्यार्थी एकदम एग्जाम में, ठीक है। रैदास के कितने पद है जो कि गुरु ग्रंथ जो कि साहिब का संकलित है, देखिए 49 दिया गया 40 दिया गया 46, इनमें से कोई सा ऑप्शन ही नहीं क्योंकि 36 पद है, क्या है 36 पद, चलिए तो इसको आप लोग आंसर नहीं कीजिए, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि आप लोग को 50 बनाना ही है, ठीक है इसको छोड़ दीजिएगा चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, रैदास की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, तो आप लोग याद रखना रैदास की जो मृत्यु हुई थी ना वो 1518 ईस्वी में होती, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, माधव मालती है वो किसकी रचना, बताइएगा माधव मालती है ना वो रचना किसकी है, तो मंझन की, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। अयोध्या सिंह का उपन्यास हरियाव का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताइएगा इसका जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, यानी 1865 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था 1865, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, खड़ी बोली प्रथम के जो कहाँ कवि किसे कहा जाता है, बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, यानी हरिहौद को बोला जाता है, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, बताइएगा महादेवी वर्मा जो थे उनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, महादेवी वर्मा किस युग के कवयित्री थे, बताइएगा किस युग के कवयित्री थे, छायावाद युग के कवयित्री थे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी सारे नाइन्थ का यानी सेकंड टर्म में एग्जाम दे रहे हम क्वेश्चन को छाप लीजिए, हो बहु क्वेश्चन आएगा ये मेरा वादा है 100%, ठीक है आप लोग 100% आएगा विद्यार्थी, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बताइएगा हरिवंश राय का जो मतलब कि जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में होता है, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन का किस धारा के कवि थे, बताएगा किस धारा के कवि थे विद्यार्थी सभी लोग जवाब देंगे, यानी क्या हो जाएगा यानी छायावाद के थे, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, पूरा हिंदुस्तानी मिलेगा कविता के जो कवि हैं वो कौन है, बताइएगा कौन है कविता, यानी क्या हो जाएंगे यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे केदारनाथ अग्रवाल, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा, आ रही रवि कि सवारी कविता में कौन है, बताइएगा कौन है विद्यार्थी, तो आप लोग को याद रखना हरिवंश मतलब कि रवचन राय, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है आप लोग सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। मैं निर्भरी दुख से बदली जो कि कविता है वो कौन सा कविता है, बताइएगा कौन सा कविता एडिएशन सभी लोग बताएंगे, यानी क्या हो जाएंगे यानी महादेवी वर्मा का, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा,
आदि कवि किसे कहा जाता है बताइएगा। आदि कवि जो कहा जाता है ना डियर स्टूडेंट, किसको कहा जाता था आप लोग याद रखिएगा, यानी वाल्मीकि को कहा जाता है। यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन है एकदम छाप कराना, धुरी धुरी क्वेश्चन को कर कराना सभी विद्यार्थी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, महादेवी वर्मा का आधुनिक युग का क्या कहा जाता है बताइएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है डियर, आप लोग को याद रखना, यानी मीरा कहा जाता है। यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आ रही रवि की सवारी किस ग्रंथि से संकलित है बताएगा, किस कवि से संकलित है, यानी क्या हो जाएंगे, यानी मधुबाला से हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। सुरेंद्र किन वर्णों का संधि है बताएगा, सुरेंद्र का संधि जो वर्ण है पूछ रहा है किस वर्ण के संधि है, यानी याद रखिएगा और क्या आ और ई, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गंगा जल में कौन सा समास है बताइएगा, गंगा जल में जो समास हो जाएंगे वो तत्पुरुष समास, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। गुरु का विलोम क्या है बताइएगा, गुरु का जो विलोम है वो क्या है, यानी अध्यापक, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है, नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है वो क्या कहलाता है, यानी पाटाक्षेप, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से जातिवाद जो है वो जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा हो जाएगा डी, आप लोग को याद रखना, यानी घोड़ा हो जाएंगे, घोड़ा है वह जातिवाचक यहाँ संज्ञा है, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस जो वाक्य है वो धीरे धीरे क्या बताएगा, जो धीरे धीरे वाक हो रहा है वो क्या है, एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया हो रहा है, यानी धीरे धीरे, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दांत जो है वो खट्टे करना यानी हरा देना, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम सभी को छाप कराना विद्यार्थी, जितने भी सारे स्टूडेंट है सभी लोग शेयर कर देंगे, जितने भी अपने दोस्त जितने भी साथी हैं सभी को पास शेयर कर देंगे, ताकि सभी को पास ये क्वेश्चन पहुँच सके। ठीक है, राम ने रोटी खाई इस वाक्य में क्रिया के अनुसार क्या है, राम ने रोटी खाई जो इस वाक्य में क्रिया है वो क्या है, वो कर्म, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दीपक प्यास से छटपटाने लगा, इसमें जो प्यास है वो कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें कारक पूछ रहा है, यानी क्या हो जाएंगे वो करण हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नायिका, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डियर। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है बताइएगा, सभी लोग बताएंगे पवन का जो संधि विच्छेद क्या होता है, सभी लोग याद रखिएगा, यानी क्या हो जाएंगे क्या होता है, यानी पौज पौज और अन होता है, यानी क्या होता है, यानी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, पौज और अन होने का हो जाएगा। ठीक है, पवन यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। प्रकृतिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा, प्रकृतिक शब्द में जो उपसर्ग हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे डिशन, तो आपको याद रखना यानी प्र हो जाएंगे। ठीक है, यानी प्र यानी प्रकृति, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताएगा, पावक शब्द में जो प्रत्यय हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे डिशन, तो आप लोग को याद रखना यानी क्या हो जाएंगे आख आख हो जाएंगे, पावक क्या हो जाएंगे आख हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बादल शब्द का तत्सम रूप बताइए, बादल शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएंगे वो मेघ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे उन्हें मेघ, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। उसका कोट पुराना है, इस वाक में जो पुराना है वो क्या है, इस वाक में जो पुराना हो जाता है वो विशेषण हो जाता है, क्या हो जाता है वो विशेषण हो जाता है, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग सभी लोग एकदम क्वेश्चन को छाप लेंगे और डायरेक्ट वहाँ पर जाके एग्जाम में सभी लोग आप लोग क्वेश्चन को एकदम मिलाकर एकदम आंसर को रंग कर दम आ जाना। ठीक है, भारत की पहली फिल्म जो कौन थी बताइएगा, भारत का जो पहली फिल्म थी वो कौन थी, तो भक्त पुंडलिप थी, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। टॉलस्टॉय के घर में किसने म्यूजियम बना दिया बताएगा, किसने म्यूजियम बना दिया ब्रिटिशन, तो सरकार ने म्यूजियम बना दिया, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिनाश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ किस जिला में हुआ था, यानी तिरपन का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी अररिया हुआ, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। जंगी को पतोहू का गौना किस माह से पहले हुआ था बताइए, किस माह से पहले हुआ था, यानी दो माह पहले से हुआ, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा
बिस्मिल्ला खां कौन सा वाद्य बजाते हैं बताएगा। बिस्मिल्ला खां जो बजाते हैं वो कौन बजाता है, सहनाई बजाता है, बांसुरी बाला यानी सहनाई बजाते हैं। यानी क्या हो जाएंगे, बचपन का जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए दिया ना बिल्कुल करेक्ट दिया, ठीक है। बिरजू महाराज का संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड पुरस्कार हुआ बताएगा, बिरजू महाराज का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना, यानी 37 वर्ष में अवार्ड प्राप्त मिला था, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिला लीजिएगा सभी लोग। खाली बोली का प्रथम महा मतलब कि महाकवि जो है वो किसे कहा जाता है बताइएगा, यानी 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हरिऔध बोला जाता है, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमालती की रचना कब हुई थी बताइएगा, मधुमालती की जो रचना हुई थी ना वो कब हुई थी, यानी 1545 ईस्वी में हुई थी, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आगे आश्रय का विशेषण क्या होता है बताइएगा। 59 का जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, यानी आश्रित यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन, निम्न में से अनिश्चय वाचक जो सर्वनाम हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे बताइएगा, सभी लोग बताएगा, यानी करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा रिसेंट, यानी 60 का जो भी विद्यार्थी कुछ दे रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी आपको जैसा कि बोला कि मैंने वायरल क्वेश्चन, यानी आप लोग को समझ सकते हैं कि आउट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को हम पहले ही आउट कर चुके हैं, ठीक है। यानी सभी लोग क्वेश्चन को एकदम मिला लेंगे और सभी लोग छाप कर अपने 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 कॉपी पर और जाकर वहाँ पर सभी लोग मिला लेंगे, ठीक है। यानी जो था वो वायरल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।